जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला। वर्तमान जग शिक्षा प्रदानकारी ग्रंथ पतंजलि योग दर्शन साधन पद एकादश सूत्र अध्ययन करने को जाऊँगी। एथिरे वर्णना अछि, ध्यान हयास्तद वृत्तयः, अर्थात शब्दार्थ ध्यान हेया प्रसंख्यान संज्ञक, ध्यान त्याग योग्य अटे। तद्वृत्तयः क्लेश गुड़िकर स्थूल वृत्ति सकल जहाँ क्रिया जोग द्वारा तनु कर दि जाइ। अन्वयार्थ क्लेश गुड़िकर स्थूल वृत्ति सकल जहाँ क्रिया जोग द्वारा तनु कर दि जाइ। प्रसंख्यान विवेक ख्याति संज्ञात ध्यान रु त्याग योग्य अटे, जे पर्यंत से गुड़िक सूक्ष्म होकर दग्ध बीज सदृश न हो जाती। व्याख्या, अंकुर उत्पन्न करिवार शक्ति रूप बीज रूप भाव सहित जे क्लेश गुड़िक चित्तरे अवस्थित रही थाए से गुड़िक क्रिया जोग अथवा असंप्रज्ञात समाधि द्वारा तनुकरी प्रसंख्यान विवेक ख्याति रूप ध्यान द्वारा त्याग करिबा योग्य अटे, जे पर्यंत कि सेगुड़िक क्रमे क्रमे सूक्ष्म होई दग्ध बीज सदृश होई न जाए। यहाँ तात्पर्य हेउछि जे प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न रु उद्भव होइथिबा जेउं प्रसंख्यात विवेक ख्याति रूपक अग्नि अटे, सही अग्निरे क्रिया जोग द्वारा रजु करा होई थिबा क्लेश रूपी बीज दग्ध होई थाए, सेथिपाई से पर्यंत क्रिया जोग द्वारा तनु करा होई थिबा क्लेश दग्ध बीज सदृश होई न जाए। जे पर्यंत प्रसंख्यान विषय प्रयत्न करुथिबा आवश्यक, जेपरी वस्त्रादिर स्थूल मत प्रक्षालन द्वारा सुगमता सहकारे दूर करा जाए पारे, किंतु सूक्ष्म मल विशेष दूर करा जाए थे, ठीक से ही परी क्लेश गुड़िकर स्थूल वृत्ति सकल स्वल्प दुखदायक होई थाए, छोट शत्रु अटंते, किंतु क्लेश गुड़िकर सूक्ष्म वृत्ति सकल अधिक दुखदायी होई थाए, महान शत्रु अटंते। अर्थात उदार क्लेश गुड़िकर वृत्तिमान स्थूल रूप रे ही उपस्थित रही थांति, सेगुड़िक क्रिया जोग अथवा संप्रज्ञात समाध्य द्वारा तनु करिबा आवश्यक, सेथिपाई एमानक निवृत्ति निमन्ते विशेष भावरे प्रयत्न करिबा आवश्यक अटे। एही तनु करजाइथिबा क्लेश गुड़िकर सूक्ष्म वृत्तिमानंकु प्रसंख्यान ध्यान रूपक अग्नि द्वारा दग्ध बीज सदृश करिदेबा आवश्यक, ताहले एगुड़िक दग्ध बीज हो असंप्रज्ञात समाधि चित्तर प्रलय घटिबा, साथिरे सेगुड़िक मध्य स्वयं प्रलीन हो जाइथान्ति, जेपरिकि पूर्व सूत्र कहुछि संगति क्लेश ही सकाम कर्मगुड़िकर कारण अटे। जेउमानंकर वासना मनुष्य को संसार चक्र रे निपतित करिथाए। वर्तमान एकादश सूत्र समाप्त, परवर्ती अध्याय आम द्वादश सूत्र अध्ययन करिबा। इति ही समाप्त। जय श्री जगन्नाथ, जय माँ मंगला।